Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dear students my name is Aisha Saleem I hope you all are fine and doing well Today we are going to continue our chapter number 3 that is about ecology aaj ke lecture ko hum wahi continue karenge aur apne aaj ke topic ko discuss karenge that is about ecological relationships So in today's SLO we will describe and illustrate how uh, through examples uh, uh, e थ्रू एक्साम्पल्स की इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गनिजम्स इंक्लूडिंग थ्री टाइप ऑफ रिलेशन फर्स्ट वन इज द कम्पिटिशन ट्रिडिशन सिम्बियोस एंड पैरसाइटिज्म तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन तमाम रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सबसे पहले तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आते हैं फर्स्ट वन इज द सिम्बियोसिस दैन ट्रिडिशन एंड दैन कंपिटिशन एंड सिंपियोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू अदर थ्री पार्ट्स फर्स्ट वन इज़ अ म्यूचुअलिज्म कोमेंशलीज्म एंड पैरासाइटिज्म तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाई वन लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट रिलेशन को दैट इज़ ट्रिडेशन सो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि वट डू यू नो अबाउट द टर्म ट्रिडेशन

माउस uh, हमारे पास प्रे है सो दर्गेनिज्म दैट हंड इज कोल्ड एज प्रिडेटर एंड वो ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार किया जाए वो एज ए प्रे काम करता है और इसी तरह हमारे पास ये रिलेशन वर्क करता है दैट इज कोल्ड एज ट्रिडेशन और नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ दैट इज सिम्बियोसिस सोट ये स्टूडेंट सिम्बियोसिस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसका मतलब है लिविंग टूगेदर इन uh, और ये हमारे पास तीन किस्म की होती है फर्स्ट वन इज़ म्यूचुअलिज्म देन कोमेंसलिज्म एंड देन पैरासाइटिज़म दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ और ये डिफरेंट तरह की हो सकती है हम वन बाय वन इनके इसके तमाम टाइप्स को डिस्कस करेंगे लेकिन डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं आप इन एग्जाम्पल्स को ग़ौर से देखिए और मुझे बताइए कि आ, आपके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास किस तरह से इन पिक्चर के अंदर एनिमल्स एक दूसरे को फायदा या नुकसान पहुंचा रहे हैं सो पोज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑब्जर्व दीज इमेजेस एंड क्विकली टेल मी योर ऑब्जर्वेशन

को देखें तो हमारे पास है honey. और इसके नतीजे में हमारे पास ये पौधे को क्या फायदा पहुंचाएगी ये पोलिनेशन के अंदर उसको फायदा पहुंचाएंगी इसके पोलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का काम करेंगी इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज ऑफ क्लाफिश एंड सी एनिमोन तो क्लॉन्श हमारे पास uh, uh, अल्टर उसको इस्तेमाल करती है और नतीजे दिन उसको न्यूट्रिय uh, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिय फॉर दी एनिमोन नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड टाइप की तरफ जो है कोमेंसलिज्म स्टूडेंट कीप इन माइंड दैट कोमेंसलिज्मिक रिलेशनशिप इन विच वन ऑफ द पार्टनर्स गेट बेनिफिट

एपीफाइटिक्लाट्स ऑन ट्रीज दिज बोथ आर द एग्पल ऑफ कॉमें फर्स्ट वन हमारे पास बर्नेकल्स के ऊपर अटैच होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके और इसके नतीजे में किसान का फायदा या नुकसान नहीं पहुंचाते इसी तरह अगर हम एपीफाइटिक्लाट्स को देखें तो ये इस तरह के प्लांट हैं जो कि ग्रो करते हैं प्रोटेक्शन लेते हैं उसके अलावा ट्रीज से बेनिफिट हासिल करते हैं सनलाइट एयर रेन वॉटर लेकिन नतीजे के तौर पे हमारे पास पौधे को या उस ट्री को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते नेक्स्ट अगर हम इसके third relation की बात करें तो वो है हमारे पास तो तो ये इस तरह का symbiotic relation है जिसमें one partner तो benefit हो जाएगा, लेकिन next partner हमारे पास होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा लेट्स एन विद्पऑफ लाइक इन प्रेजेंट इन द न्यूट्रिशन बट एज रिजल्ट ये को डाइजेस्टिव इश्यूज या so, माल तो uh, के और नतीजे के तौर पर उनको स्किन इिटेशन या ब्लड लॉस या किसी मुख्तलिफ किस्म की डिजीजे होती है इसी तरह अगर हम रिप्लेसिया को देखें तो यह कैसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिन

अपनी वीडियो को पॉज कीजिएगा सिनेरियो को रीड कीजिएगा और इसके इन आंसर्स को फाइंड आउट कीजिएगा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल शीट की तरफ दैट इज स्किल 3.7 पॉइंट सेवन इन विच यू हैव टू प्रिडिक्ट हाउ चेंजेस इन इकोसिस्टम कैन इफेक्ट द अवेलेबल रिसोर्सिस एंड बैलेंस अमंग पॉपुलेशन अगेन डियर स्टूडेंट्स यू कैन इजिली ओपन दिस स्किल शीट बाई स्कैनिंग द कोड एंड दिस शीट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो सो आप इजिली स्किल शीट को ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं अपने होमवर्क की तरफ योर टास्क एज अ ग्रुप इज टू डी सर्चिंग एंड प्रेजेंटिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स और आप में से हर स्टूडेंट रोल प्ले करेगा रिसर्चर का प्रेजेंटर का इलस्ट्रेटर का एंड क्वेश्चनर का और इस तरह आप अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करेंगे क्लास के सामने एंड डू शेयर इट विद योर अदर क्लास फेलोज एंड योर टीचर्स टू नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास आ, आ, ये था हमारा आज का लेक्चर अपने लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले लेसन के अंदर जिसके अंदर हम अपनी कंपटीशन द फोर्थ टाइप को डिस्कस करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा सो डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच हाफिज़